ज़्यादा बेच रहा है, उसकी क्वालिफाई ज़्यादा हो गया, वो मुझसे पहले दुबई अचीवर बन गया, उसकी तो बहुत सारी मार्केट में पहुंच है, उसका तो रेस्पेक्ट एरिए से आया है, उसकी लिटरेसी ज़बरदस्त है, उसका आईक्यू जोरदार है। ये जो कंपैरिजन करके गैप बनाते हो ना आप लोगों से, ध्यान रखना, अगर कंपैरिजन करते तो वीरेंद्र सहवाग कभी भी अच्छा क्रिकेटर नहीं बनता, क्योंकि क्रिकेट का सिद्धांत है जिसकी जितनी टांगे चलेगी, जिसकी जितनी टांगे चलेगी वो ही उतना बड़ा प्लेयर बनेगा। अरे रे, वीरेंद्र सहवाग के लिए चॉकलेट था, चलने वाला बनता है, मैं बिना चले मारूंगा, तिहरे शतक बनाने वाला भारत का बल्लेबाज बना। टांगे नहीं चलती, नहीं काम करती। हिमेश रेशमिया को बोला, दुनिया में वो ही बड़े गायक कलाकार बनते हैं जिनको गले से गाने की आदत है, तू तो नाक से गाता है। उसने कहा, मैं नाक से गा के ही दुनिया हिलाऊंगा। तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी के सबसे बापू गाने उस आदमी ने दिए हैं जो नाक से गाता है। और सिद्धांत क्या है, नाक से गाएगा तो फेल हो जाएगा, वो तो बापू बन गया। अरे अंदर की ज्वाला चाहिए, भीतर के ज्वाला से काम होता है, कंपैरिजन में दुनिया रह जाती, कर गए तूफानी लोग। इसलिए भाई साहब, अपने फील्ड में अगर आपको आगे जाना है ना, आजू बाजू में कंपटीशन करना बंद, खुद से कंपटीशन करना चालू, कंपैरिजन का गैप कभी मत।